please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडरियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमएस वर्ड 2007 के अंदर किस तरीके से लोगो डिजाइन करते हैं, सब कुछ प्रोसेस आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल वाली रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2007 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले काम आपको यहाँ पर लोगो डिज़ाइन करने के लिए पेज का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है लेआउट के अंदर। ध्यान से देखिए, लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हुए सबसे पहले आपको मार्जिन नैरो कर देना है। नैरो करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली साइज के ऊपर में जाकर आपको नीचे की तरफ एक साइज है दोस्तों, मोर पेपर साइज, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको इक्वल साइज यहाँ पर देना है। दोस्तों, देख सकते हैं वेट और हाइट के ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर मैं 5 और 5 दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इक्वल साइज दे रहा हूँ, 5 इंचेस और 5 इंचेस। जस्ट इसको मैं ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके का साइज आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर इजीली जो भी डिजाइंस वगैरह आपको यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो डिजाइंस आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले काम आपको यहाँ पर शेप क्रिएट करना है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए शेप्स के ऊपर में क्लिक करते हुए आप लोग देख सकते हैं ये वाला ओवल शेप्स में यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद आप लोग देख सकते हो, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आउटलाइन का वेट यहाँ से आप लोग बड़ा कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मुझे बड़ा करना है, इस तरीके से मैंने बड़ा किया। इसी को यहाँ पर मैं कंट्रोल्ड डी करते हुए, डुप्लीकेट करते हुए इसको यहाँ पर प्लेसमेंट करते हुए, इसी को शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर इसको साइज इस तरीके से छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट होकर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए फिर से शेप्स के ऊपर में जाकर आपको ये वाला रिबन शेप्स वगैरह, आपको जो रिबन शेप्स पसंद है इस तरीके का रिबन शेप्स वगैरह आपको यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ करते हुए इस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मुझे इसको थोड़ा सा इधर करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको बड़ा छोटा इतना तक आपको इस तरीके से करना है तो वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर इसको इतना ही ठीक ठाक लग रहा है। जस्ट अब मैं सभी को इसको यहाँ पर अलाइजमेंट सेंटर करूँगा और ये भी यहाँ से अलाइजमेंट सेंटर करूँगा। तो दोस्तों, अब मैं इसी सभी को कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहूँगा ताकि यहाँ पर इजीली एक शेप वगैरह इंसर्ट कर सकूँ। तो इसके लिए इंसर्ट शेप्स, और दोस्तों यहाँ से ये वाला 36 पॉइंट का एक यहाँ पर शेप्स लेकर आऊँगा दोस्तों, ये वाला स्टार शेप्स। जस्ट इसको क्लिक करते हुए इसको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करते हुए इस तरीके से लेकर आकर ये वाला पॉइंट से आपको इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए यूज कर सकते हो। इसको जस्ट आपको यहाँ पर कलर वगैरह देकर, ब्लैक कलर देकर मैं इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा। आप लोग देख सकते हो सेंड बैकवर्ड इस तरीके से। और दोस्तों, ये वाला पॉइंट को मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए इस तरीके से साइज में यहाँ पर छोटा करते हुए यूज कर देना है। दोस्तों, देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। जस्ट आपको इसके ऊपर में जो भी कलर आपको पसंद है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला ब्लू कलर अच्छा लग रहा है तो ब्लू कलर दे सकते हो। इसको आउटलाइन को वगैरह भी आप चाहे तो ब्लू कलर फिल कर सकते हो, इसको आउटलाइन नो आउटलाइन कर लीजिए ये वाला स्टार्स का। और दोस्तों, ये वाला को जो भी कलर आपको यहाँ पर पसंद है, जैसे कि रेड वगैरह ये वाला कलर वगैरह, आपको इसके अंदर भी जो भी कलर वगैरह आपको पसंद है इस तरीके से चेंज करते हुए इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से इतना तक काम यहाँ पर इजीली हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है। उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है इंसर्ट और आपको वर्ड आउट वर्ड स्टाइल वन सेलेक्ट करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ AD। तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहाँ पर टाइप किया AD कंप्यूटर एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। जैसे इसको मैं ओके करते हुए इसको यहाँ से दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग से दोस्तों मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर चेंज शेप्स से आपको ये वाला शेप से यूज करना है दोस्तों, और डाउन जस्ट इसको क्लिक करते इस तरीके से आपको यहाँ पर राउंडेड करते इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप चाहे तो ये वाला शेप्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से मैनेज करते हुए इसको यहाँ से साइज वगैरह बड़ा करते हुए इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। दोस्तों, देख सकते हो जितना हो सके आपको यहाँ पर बड़ा वगैरह करते हुए आपको इसको मैनेज करते इस तरीके से यूज कर सकते हो। दोस्तों, देख सकते हो कितना प्यारा रिजल्ट आप, और इस वाले पॉइंट से दोस्तों इस तरीके से आपको राउंड करते हुए इसको यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। तो इतना तक करने के बाद दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ से इसको साइज वगैरह छोटा करते हुए, और यहाँ से भी इसको साइज वगैरह छोटा करते हुए, यहाँ से भी इसको साइज वगैरह छोटा करते हुए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए
यहाँ से दोस्तों और थोड़ा सा इसको राउंडेड कम करूँगा और इसको थोड़ा सा पीछे करते हुए, यहाँ पर प्लेसमेंट करते हुए, इसको थोड़ा सा इधर करते हुए आप लोग देख सकते हैं ये वाला को मैं यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए इस तरीके से मैंने मैनेज किया है। अभी मैं यहाँ पर इसको, और आप चाहे तो इसको जो भी कलर वगैरह पसंद है तो दे सकते हो, जैसे कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, इसी को यहाँ से कलर फिल करते हुए इसको सेट कर दूंगा दोस्तों, देख सकते हो। और थोड़ा सा आप चाहें तो इसको बड़ा वगैरह भी इस तरीके से कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है दोस्तों, आप लोग इजीली इसको काम कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको साइज़ कम कर दूंगा ताकि दिखने में भी सुंदर सा, एक प्यारा सा, अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आपको सभी को यहाँ पर मैनेज करते हुए इसको यूज़ करना है। यूज़ करेंगे दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर जो भी आपको एड्रेस है तो वो एड्रेस यूज़ कर सकते हो, इसको साइज़ वगैरह इस तरीके से छोटा करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड है दोस्तों ये वाला, तो इसको मैं आउटलाइन करते इसका थोड़ा सा पतला सा यूज़ कर दूंगा। और इसी टेक्स्ट को आप चाहे तो कॉपी करते हुए या फिर आपको दूसरा वाला वर्ड आर्ट लेकर आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने टाइप किया, जस्ट इसको मैं ओके करते हुए यहाँ पर वर्ड आर्ट वाला स्टाइल, इसको मैं सबसे पहले टेक्स्ट ड्रॉपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए इसको दोस्तों मैं यहाँ से चेंज शेप से और डाउन करूंगा, और ये वाला को इस तरीके से डाउन करते हुए यहाँ पर मूव कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और इसको यहाँ पर प्लेस करने से करने के बाद दोस्तों ये वाला येलो डॉट से आपको इस तरीके से छोटा करते हुए यहाँ पर आपको इजीली प्लेस वगैरह इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से आपको भी इसको यूज वगैरह इस तरीके से कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं, जस्ट आपको ये वाला कलर आउटलाइन नो आउटलाइन। और दोस्तों यहाँ पर एक शेप्स वगैरह आपको यूज़ करते हुए यहाँ से आपको शेप्स वगैरह इस तरीके से डॉट शेप्स वगैरह दे सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करते हुए इसको ये वाला आउटलाइन लो, इसको थोड़ा सा इधर करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा, और इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर टाइप कर दूंगा गेटवे ऑफ एजुकेशन। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से वर्ड आर्ट इंसर्ट वर्ड आर्ट वर्ड स्टाइल वन, और जस्ट इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए जिस तरीके से गेटवे ऑफ एजुकेशन मैंने टाइप किया, जस्ट इसके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा यहाँ से दोस्तों। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से आर्ट करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा साइज वगैरह यहाँ से छोटा करते हुए इसको दोस्तों यहाँ पर प्लेसमेंट करते हुए इस तरीके से मैनेज वगैरह थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए इसको मैनेज करते हुए यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। और ज़्यादा खूबसूरत सा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से आपको भी यहाँ से सब कुछ काम कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों इसको ये वाला कलर आउटलाइन नो आउटलाइन, या फिर आप चाहे तो जो भी कलर वगैरह आपको पसंद है वो दे सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो भी इसके ऊपर में कलर, जैसे कि ब्लैक वगैरह इस तरीके का कलर वगैरह आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक वगैरह इस तरीके का कलर वगैरह आपको यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ पर डिज़ाइंस के ऊपर में चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसको भी दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक सा कलर चेंज कर दूंगा ये वाला, या फिर ये वाला आप चाहे तो इसको कलर ये वाला दूंगा। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक यूज़ कर दूंगा इसके ऊपर में भी कलर फिलअप कर दूंगा, जैसे कि मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कंप्यूटर का इमेजेस यूज़ करूँगा, इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा ये वाला को बड़ा कर दूंगा ताकि यहाँ पर इजीली जब भी एसेसरीज वगैरह दिखना था वो दिख जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक कंप्यूटर का लोगो यूज़ कर दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते, क्लिप आर्ट के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको COMPUTER कंप्यूटर सर्च करते हुए एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी कंप्यूटर का लोगो आपको पसंद है, जैसे कि ये वाला आपको जो भी पसंद है वो सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं यहाँ पर इसके इस तरीके से प्लेसमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा नीचे करते हैं इसको यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद आपको जो भी और शेप्स वगैरह आपको पसंद है, जैसे कि बुक्स वगैरह, जैसे कि कुछ एजुकेशन, जैसे कि एजुकेटेड वगैरह इस तरीके का, ये वाला भी आपको पसंद है तो ये वाला भी आपको यहाँ पर यूज़ करते काम कर सकते हो। मुझे दोस्तों ये वाला यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जस्ट इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइज छोटा करते हुए यहाँ पर प्लेस करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा ESTD, जस्ट इसी को यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको यहाँ पर कॉपी करते हुए यहाँ पर टाइप कर दूंगा। इसको दोस्तों एडिट टेक्स्ट के ऊपर मैं जाकर यहाँ पर टाइप करूंगा ESTD, जस्ट यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 2020। आपको इस तरीके से टाइप करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको दोस्तों शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर साइज वगैरह इस तरीके से छोटा करते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट इजीली
कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली मैंने एक यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लोगो डिजाइन करते हुए यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप भी इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का लोगो डिजाइन इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।